मानव कल्याण सेवा समिति के द्वारा नगर निगम शिमला के अंतर्गत टूटीकंडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल व स्वर्ण पब्लिक स्कूल टूटीकंडी में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वित्त पोषित और मानव कल्याण सेवा समिति चौपाल जिला शिमला द्वारा संचालित CPLI योजना के अंतर्गत व विशेष तौर पर नगर निगम शिमला में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम में आज दिनांक 20 मई 2024 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल व स्वर्ण पब्लिक स्कूल टूटीकंडी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मानव कल्याण सेवा समिति चौपाल द्वारा संचालित CPLI योजना के एरिया कोऑर्डिनेटर श्री दीपक सुंदरियाल ने जानकारी दी कि शिमला नगर निगम के अंतर्गत सभी वार्डों में बच्चों एवं युवाओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल व स्वर्ण पब्लिक स्कूल टूटीकंडी में किशोरों में नशे के बढ़ते प्रचलन के कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिमला से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कार्यक्रम में साइकोलॉजिस्ट ज्योति शर्मा ने नशे के आधुनिक प्रकार व उनसे होने वाले दुष्प्रभावों से बचने हेतु आवश्यक जानकारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल व स्वर्ण पब्लिक स्कूल टूटीकंडी के छात्रों व उपस्थित स्टाफ से साझा की। संस्था के ट्रेनर वीरेंद्र कुमार व नीलम चौहान द्वारा युवाओं को नशा न करने की शपथ भी दिलवाई व उन्हें नशे के खिलाफ एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में सहयोग देने का आग्रह भी किया। ये जानकारी मानव कल्याण सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हिमांशु कुमरा ने नेशन न्यूज से साझा की। सेवन को रोकने में सहयोग करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी तरह से हानिकारक या अवैध दवाओं का सेवन नहीं करेंगे। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम नशे से दूर रहें।